ठीक है, एज इट इज रखना। और ये जो बड़ी वाली अंगुली है ना, मोटी अंगुली, सबसे बड़ी कर्जनी जिसे कहते हैं, उसको ऐसे चिपका लो। सबने चिपका लिया? चिपका लिया। ओके, अब क्या करना है, अंगूठे को खोल के बंद करो। अंगूठा खोल के बंद कर लिया ना इसी, अब इस अंगुली को खोल के बंद कर लो। ये भी आसानी से हो गई। अब बगैर बीच वाली अंगुली को छेड़े, बगैर बीच वाली अंगुली को छेड़े रिंग फिंगर को खोलो उसके आगे वाली। ये गैप नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं रही सर, ये गैप नहीं होना चाहिए बिना का। ये वाली ये बोला है वैसे रिंग की बस नहीं, नहीं 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 ये भी खुल जाएगा, ये भी हो जाएगी। आप इसको ट्राई कीजिए एक बार। ये वाली खुली है, इसको आप जोड़ के। अगर कोई ये दम तो भर रहा हो तो भाई जरूर देखे, जरूर उसने अंगुली में कोई गड़बड़ कर रखी है कहीं ना कहीं। अंगुली तो उसी कर लेते साहब, मैंने कर लिया ठीक। अच्छा आप बात बोलिए सर, इसको पहले चिपकाए थोड़ा ढंग से। आप ये वाली देखिए हमारे दो ब्रेन होते हैं जैसा प्रवीण जी ने आपको बताया था। जिसकी थ्योरी को हम इंडिया में ये जो सारे प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसकी थ्योरी को इंडिया में हम लेके आए हैं, उनका नाम डॉक्टर रोजर एस पियर है, जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है। इंडिया से तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है, उसके अतिरिक्त किसको मिला ही नहीं, सभी ठीक है ना। तो उन्होंने एक चीज इंडियंस के लिए कही है, इंडियंस की सबसे खास बात क्या है, इनका दिमाग बहुत चलता है, बोले तो लेफ्ट ब्रेन बहुत वर्क करता है। हर चीज में लॉजिक तैयार है इनका, कोई क्वेश्चन उठा दो लॉजिक तैयार है, तर्क से ऊपर उतर कॉल कर देंगे आप, परेशान हो जाओगे उनके जवाब नहीं दे सकते। हर चीज का लॉजिक है, क्योंकि हमारा लेफ्ट ब्रेन इंडियन ब्रेन है, इंडियन ब्रेन पूरी दुनिया में फेमस है, कोई इसलिए कि हमारा लेफ्ट ब्रेन बहुत वर्क करता है। पर प्रॉब्लम ये है कि राइट ब्रेन बिल्कुल नहीं चलता। जिन बच्चों का लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटिंग है वो बच्चे आईएएस में जाएंगे, इंजीनियरिंग में जाएंगे, मेडिकल में जाएंगे। जिन बच्चों का राइट ब्रेन डोमिनेटिंग है, इन द सेंस राइट ब्रेन ज्यादा वर्क करता है, वो बच्चे बड़े स्पोर्ट्स पर्सन बनेंगे, बड़े म्यूजिशियन बनेंगे, बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, अब चैलेंज बड़े पॉलिटिशियन बनेंगे। अब चैलेंज ये है कि एक तो सीबीएसई में नंबर बहुत कटाए जाते हैं, हर बच्चे के 90% आ जाते हैं। अब 90% आगे तो करंट लगता है ये इंजीनियर बन सकता है, क्योंकि 90% है मैथमेटिक्स के अंदर, जबकि उसका दिमाग बना ही नहीं था। लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटिंग नहीं है, वो राइट ब्रेन डोमिनेटिंग बच्चा है, वो बिजनेस के लिए ही बना।